दोस्तों, लाडली बहन योजना की अंतिम लिस्ट आ गई है। जिनके पास 1 रुपये क्रेडिट नहीं आया है बैंक में, वो इस तरीके से अपनी अंतिम लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएं, लाडली बहन योजना लिखें, इसमें आपको पहली लिंक मिल जाएगी लाडली बहन योजना की। यहाँ क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के पश्चात आपको दिखाई देगी ये स्क्रीन। इसमें ऊपर देखें 3 आड़ी लाइन दिख रही हैं, इस पर क्लिक करें। नीचे आएंगे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, अंतिम सूची यहाँ मिल जाएगी। इस अंतिम सूची पे क्लिक कर दें। साइट इस समय बहुत बिजी चल रही है तो काफ़ी समय लगता है इसको खुलने में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना होगा। यदि कोई एरर आ जाती है तो इसी चीज़ को आप दोबारा रिपीट करें। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, और बहुत सारे काफ़ी लोग परेशान हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। अब देखिए, अंतिम सूची के लिए आपको यहाँ पे नया स्क्रीन आ गया है। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है, OTP प्राप्त करें पे क्लिक कर देना है। ऊपर देख पा रहे हो आप, अंतिम सूची लिखा है यहाँ पे, यही है अंतिम सूची। यदि पहली बार में नहीं आता है या पेज एरर आ जाती है तो दोबारा इसको करें। ये देखिए, अब OTP इन्होंने लिखा है, भेज दिया है हमारे मोबाइल पे। इसको ओके करें और नीचे आ जाएं। यहाँ आपको दिखाई देगा OTP दर्ज करें। अब आपके मोबाइल पे जो OTP आया है, उस OTP को यहाँ लिखें, OTP सत्यापित करें और आगे बढ़ें। इस लिंक पे क्लिक कर देना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। इसमें यदि आपको अपनी पूरी एरिए की लिस्ट देखनी है तो ज़िले में जाएं, स्थानीय निकाय पे जाएं। इसी तरीके से आगे आप देखते जाएंगे, एक एक ऑप्शन आता जाएगा, वो सारे ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। या फिर आप अपना पर्सनल एक ही व्यक्ति का देखना चाहें तो व्यक्ति विशेष पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप कोई कैफ़े या दुकान वाले नहीं हैं तो व्यक्ति विशेष पे क्लिक करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। साइट बहुत बिजी है। व्यक्ति विशेष पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन में आप देखोगे आवेदिका की समग्र ID और लाडली बहना योजना क्रमांक। जब आपने फॉर्म सबमिट किया था उस समय आपको एक नंबर मिला था, पावती पे लिखा है, वो नंबर आप यहाँ डाल सकते हो, या आपके पास में आपकी